चित्रकूट आज दिनांक 22 जून 2021 को चित्रकूट जनपद के मानिकपुर ब्लॉक के अंतर्गत गेहूं खरीद केंद्र केहुनिया साधन सरकारी समिति बंद पाई गई, जिसमें जिला अध्यक्ष कुशल सिंह पटेल के नेतृत्व में संकेतिक धरना दिया गया। धरने को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष कुशल सिंह पटेल ने कहा, सरकार के जो दावे कर रही है कि आज तक गेहूं केंद्रों में गेहूं खरीदा जा रहा है वह पूर्णतः गलत है। आज मैं मौके पर पहुंचकर देखा तो गेहूं केंद्र बंद पाया गया, जिसके चलते सांकेतिक धरना प्रदर्शन करना पड़ा। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव हेमराज त्रिपाठी जी ने कहा, यह गेहूं केंद्र 04 दिनों से बंद है। अभी तक 50% किसानों का गेहूं नहीं खरीदा गया है। आधे से अधिक किसान अभी इधर उधर अपना गेहूं बेचने के लिए भटक रहे हैं और दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इसलिए सारे साधन सहकारी समिति क्रय केंद्र गेहूँ खोल कर किसानों का गेहूँ 15 जुलाई 2021 तक लिया जाए। जिला उपाध्यक्ष प्रशासन श्रीमती रंजना बराती पांडे ने कहा कि देश का किसान इस सरकार में पूरी तरह से त्रस्त है। भाजपा सरकार झूठ बोलने में मस्त है। हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी वारा जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र भेजकर मांग की है कि किसानों का गेहूं 15 जुलाई 2021 तक खरीदा जाए। आदिवासी महिला नेत्री शिवकलिया कोल ने बताया कि आज किसान मजदूर परेशान है और इस कोरोना वायरस महामारी में दिक्कतों का सामना आदिवासी ही कर रहे हैं। इस मौके पर जिला सचिव फ्रंटल संगठन प्रभारी विजय मणि त्रिपाठी, श्रीमती पूनम त्रिपाठी, राज त्रिपाठी, मयंक तिवारी, अजय सिंह पटेल, दद्दू कोल, शिव भवन कोल, रेखा कोल, गुड्डन कोल, कौशल्या कोल, संता कोल, रानू कोल आदि किसान मौजूद रहे। नेशनल हेड कमल दास बापू की रिपोर्ट, चित्रकूट से।